देख रहे हैं वीकली मार्केट रिव्यू, निफ्टी और बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस पूरे वीक में क्या रहा, हम समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकल चार्ट की हेल्प से। नमस्कार, मैं अजीत सिंह, स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। हम लोग देखेंगे आने वाले वीक में कौन से सेक्टर पॉजिटिव लग रहे हैं और कौन कौन से सेक्टर में बाइंग आ सकती है। अगर हम लोग आज देखें निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी लास्ट वीक में 300 पॉइंट ऊपर था, मतलब 1.73%, और चार वीक से कंटिन्यू एक अप ट्रेंडिंग जर्नी चालू है। बात करें हम लोग अगर लो से, तो 15,200 के लेवल से जो लो बना था, अब 17,700 के लेवल तक हमको निफ्टी दिख रहा है। देखें तो बहुत सी न्यूज थी कि मार्केट में रिसेशन आ जाएगा, इन्फ्लेशन रेट बढ़े हुए हैं, बाद में यूक्रेन और रशिया का वॉर है, ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, डॉलर के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। उसके बाद भी हम लोग देखें तो 2500 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी में हमको तेजी देखने को मिली। अब यहां से निफ्टी कहां जा सकता है समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये भी डेटा देखेंगे कि FIS किस तरीके से अगस्त मंथ से वो कंटिन्यू बाय कर रहे हैं, मतलब उन्होंने तो जुलाई 28 से ही बाइंग करना चालू किया था और बहुत दिन तक वो इंडियन स्टॉक मार्केट में सेलर थे, मगर अभी वो नेट बायर में हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। अब बात करें मंथली चार्ट में कि निफ्टी कैसा रहा, तो लोग ये देख सकते हैं इस मंथ में अब तक निफ्टी 539.3% बढ़ा है और लास्ट मंथ में 8.73% बढ़ा था, जो एक पॉजिटिव संकेत है। मतलब निफ्टी वापस 15,500 के लेवल्स को ब्रेक करके नीचे जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, इसके चांसेस कम है। अब बात करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करें सबसे पहले वीकली चार्ट्स में, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि लास्ट वीक में 2.96% निफ्टी बढ़ा हुआ है, 1121 पॉइंट, और हम लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी कंटिन्यू एक अप ट्रेंडिंग जर्नी हमको देखने के लिए मिल रही है और काफी फाइनेंस के और बैंकिंग के काफी शेयर्स, मोस्ट ऑफ PSU और प्राइवेट बैंक दोनों भागे हैं। और देखें लोअर लेवल से तो 20% की तेजी हमको देखने मिली है, 6,739 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा है अपने लोअर लेवल से, जो लो प्रिंट किया था निफ्टी ने जून में, बैंक निफ्टी ने जो 32,290 का था, वहां से अब देखें तो जो क्लोजिंग है वो 39,000 के नजदीक में है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि कंटिन्यू एक अप ट्रेंडिंग जर्नी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमको देखने के लिए मिल रही है। बात करें इस मंथ में अब तक, तो अब तक 4% से ज्यादा 1550 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस है, और अगर बात करें हम लोग जुलाई मंथ की, तो जुलाई मंथ में 12% से ज्यादा 4000 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस था। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशंस यहां पे बनाया हुआ है बायर्स ने। अब बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्टर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले वीक में, ऐसा देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले एनर्जी सेक्टर में काफी हमको बाइंग देखने के लिए मिल रही है, और यहाँ पे ऐसा लगता है एनर्जी सेक्टर को देख के कि एक काफी अप ट्रेंडिंग जर्नी रहेगी। हम लोग ये देख सकते हैं कि जुलाई मंथ में 3.62% और अब तक अगस्त मंथ में 4% बढ़ा है एनर्जी इंडेक्स। और एनर्जी इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनी आती है ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले देखें तो एनर्जी की जो कंपनीज हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी कंपनी लिस्टेड, हम लोग ये देख सकते हैं अदानी ग्रीन, IOC, अदानी ट्रांसमिशन, टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्री, BPCL, गेल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, NTPC, ONGC, ये सब जो कंपनीज हैं वो एनर्जी सेक्टर की हैं। और मोस्ट ऑफ देखें तो टाटा पावर आने वाले वीक में परफॉर्मेंस टाटा पावर का अच्छा रहेगा, ऐसा चार्ट्स को देख के लगता है। हम लोग बात करें वीकली चार्ट्स की, तो चार्ट्स को देख के लगता है कि आने वाले वीक में टाटा पावर का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहेगा। उसके बाद देखें कि कौन सा सेक्टर है, तो उसके बाद जो मेटल सेक्टर है उसमें हमको अच्छी खासी बाइंग देखने मिल रही है, लोअर लेवल से लोग कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं मेटल सेक्टर में। बात करें हम लोग मंथली चार्ट पे, तो लोग ये देख सकते हैं कि जुलाई मंथ में 17% बढ़ा था मेटल सेक्टर और इस मंथ में अब तक 6.7% बढ़ा है, मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को आउट परफॉर्म किया है। और मेटल में कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनका परफॉर्मेंस बढ़िया लगता है, तो सबसे पहले टाटा स्टील, उसके बाद देखें तो APL, ये दो कंपनीज APL अपोलो ट्यूब्स, ये दो कंपनीज का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहेगा ऐसे चार्ट्स को देख के लगता है, क्योंकि वो कंटिन्यू नया हाई बना रहे हैं, ऐसा देख के लगता है कि आगे भी टाटा स्टील और APL अपोलो का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया हो सकता है। हम लोग ने दो कंपनी डिस्कस की मेटल्स में, और हम लोग ने कंपनी डिस्कस की एनर्जी में टाटा पावर, कि कौन कौन सी कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX भी
देखें तो काफी बढ़िया लगता है। हम लोग संडे को कवर करेंगे कंपनी कौन सी हम लोग बाइंग कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। अब बात करते हैं हम लोग एनएससी की साइट पे कि ईएमएस पे कैसा है मार्केट। हम लोग ये देख सकते हैं कि हर एक ईएमए के ऊपर है, 5 ईएमए, 13 ईएमए वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे भी हर एक ईएमए के ऊपर है। और सबसे अच्छी चीज है कि क्वार्टरली चार्ट पे भी हर एक ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी, जो एक बढ़िया संकेत है। बात करें अगर हम लोग बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी वीकली चार्ट्स में हर ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बॉलिंजर बैंड को चैलेंज करता हुआ हमको दिख रहा है वीकली चार्ट्स में, जो एक अच्छा संकेत है। बात करें मंथली चार्ट की, तो मंथली चार्ट में भी हर एक ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। और बात करें अगर हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे, तो क्वार्टरली बेसिस पे भी शानदार तेजी हमको बैंक निफ्टी में देखने मिल रही है, जो आगे कंटिन्यू रहेगी ऐसा देख के लगता है। अब बात करते हैं एफआईएस की बाइंग की, तो हम लोग देख सकते हैं 12 अगस्त को 3000 करोड़ की बाइंग है, 11 अगस्त को 2200 करोड़, 10 अगस्त को 1000 करोड़, 8 अगस्त को 1400 करोड़। तो ये कंटिन्यू हमको जुलाई 28 से एफआईएस की कंटिन्यू हमको बाइंग देखने मिल रही है। अगर बात करें मंथली चार्ट की, तो अगस्त मंथ में अब तक एफआईएस ने 1400 करोड़ का नेट, 14000 करोड़ का माफ करना, 14800 करोड़ का नेट में बाइंग किया है। इसके पहले हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से एफआईएस कंटिन्यू सेल कर रहे थे। लास्ट जो उन्होंने बाइंग की थी वो फरवरी 2021 में की थी, जो था 42000 करोड़, और उसके बाद वापस हमको यहाँ पे अब बाइंग करते हुए दिख रहे हैं। तो जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ शेयर करें कि वो भी स्टॉक मार्केट के मूवमेंट को बेहतर तरीके से समझ सकें। नमस्कार, धन्यवाद।